CMAE के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट जो है इसका निर्माण प्रबंधन है, जिसे इंग्लिश में हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका पहला चैप्टर है सिविल निर्माण प्रबंधन। इसे इंग्लिश बोलते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दूसरा है निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तीसरा दोस्तों हमारा चैप्टर है आयोजन एवं अनुसूचन नेटवर्क, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग नेटवर्क। चौथा दोस्तों हमारा संगठन है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा चैप्टर निर्माण स्थल प्रबंधन है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन साइट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह छठवां निर्माण श्रमिक है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन लेबर के नाम से जानते हैं। सातवां हमारा है निर्माण प्रगति नियंत्रण, जिसे कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कहा जाता है। आठवां चैप्टर हमारा निर्माण लागत नियंत्रण है, जिसे हम कॉस्ट कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। नौवां चैप्टर हमारा निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण है, जिसे हम इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जानते हैं। दसवां चैप्टर हमारा दुर्घटनाएं हैं और निर्माण काल सुरक्षा, इसे हम एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भाग एक में हमारे कुल टोटल 10 चैप्टर हैं, और हम उन्हीं चैप्टर को अपने वीडियो में, अपने लेक्चर में हम उन्हीं चैप्टरों का जिक्र करेंगे जो आपके बीटी एग्ज़ाम बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम इस भाग एक के सारे चैप्टरों को बताएंगे, हम उन्हीं चैप्टरों का जिक्र करेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि टाइम कम है और हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे, और समय मिला तो हम पूरा भी करेंगे। इसी तरह दोस्तों अगला चैप्टर लोक निर्माण लेखा है, जिसे हम पब्लिक वर्क अकाउंट, जो भाग दो के अंदर, भाग दो का नाम जो है पब्लिक वर्क अकाउंट है। इसी तरह दोस्तों भाग दो में हम लोक निर्माण लेखा, जिसका नाम पब्लिक वर्क अकाउंट के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, रोकड़ लेन देन तथा लेखा के बारे में पढ़ेंगे, भंडार तथा स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, औजार तथा मशीनें के बारे में पढ़ेंगे, सड़क सामग्री के बारे में पढ़ेंगे, सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री के बारे में पढ़ेंगे, निर्माण कार्य एवं ठेके के बारे में पढ़ेंगे। सातवां आपका चैप्टर निर्माण कार्यों का भुगतान, और आठवां चैप्टर है अवर अभियंता के कर्तव्य तथा प्रकार। तो दोस्तों भाग दो से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बनता है चैप्टर नंबर 3, 4, भंडार तथा स्टॉक, औजार तथा मशीनें और अवर अभियंता के कर्तव्य तथा प्रकार, निर्माण कार्य एवं ठेके, ये सब चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन बीटीई के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सब चैप्टर हम लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इसकी पीडीएफ बनाएंगे और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि हमारा जो पॉलिटेक्निक कैप्सूल का कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। इसी तरह दोस्तों भाग तीन में हम उद्यमिता विकास के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। पहला चैप्टर है उद्यम तथा उद्यमियता, इसके बारे में पढ़ेंगे। लघु उद्योगों के लिए सुविधाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तीसरा है औद्योगिक विधान तथा कर, टैक्स, टैक्स कर को टैक्स भी कहते हैं। चौथा है परियोजना रिपोर्ट। तो दोस्तों इस तरह हमारा यह CMA एंड ई का सिलेबस